के अंदर लोगों को फर्दर संक्रमण ना हो, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए कहा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के आता है तो उसका संक्रमित होने का खुद का भी खतरा रहता है, और अगर वो ऑलरेडी संक्रमित है तो दूसरों को भी कर सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर ये कहा गया है कि सभी लोग मास्क लगाकर ही निकलें ताकि ये संक्रमण आगे ना फैले। सर, कुछ लोगों का सोचे से मास्क नहीं है तो भी जाकर गमछा लगा लेते हैं, कपड़ा लगा लेते हैं, तो क्या वो अलाउड है सर? कैसे? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मुंह नाक दोनों को ढककर रखें। उसके लिए परंपरागत तरीके से पहले हम जो चीज़ें यूज़ करते थे उसकी इजाज़त है, लेकिन उनकी साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 6 से 8 घंटे के अंदर उन लोगों को इसको साफ़ कर लेना चाहिए, और कोई भी ऐसा कपड़ा प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें से कोई भी लिक्विड बाहर आ सके या उसके अंदर से अंदर जा सके। तो इस बात का वो ख्याल रखें और सफाई का ख्याल रखें। बाकी उद्देश्य सिर्फ ये है, अगर घर पे बना हुआ भी, बहुत सारे सरकार की तरफ से भी कहा गया है, हिदायतें जारी की गई हैं कि इस तरह से आप खुद बना सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, तो उसमें उस बात की इजाज़त है। सर, फरीदाबाद के लिए अच्छी अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में कोई मरीज़ सामने नहीं आया और 2 मरीज़ ठीक भी हो गए, तो हमारे पास में जितने भी केसेस थे वो सब लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री थी, बाहर से आ रहे थे। पिछले 3-4 दिन के अंदर काफ़ी सख्ती दिखाई गई है। पूरे शहर के अंदर 13 कंटेनमेंट जोन्स बना दिए गए थे, उनके अंदर बहुत सघन अभियान चलाकर हेल्थ विभाग के द्वारा लोगों से पूछा गया है, और अगर किसी को भी सिम्टम्स हैं तो उनको घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है। हमारे पूरे ज़िले के अंदर भी इस तरह का एक सघन अभियान ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें घर घर जाकर लोगों से ये पूछा जा रहा है कि कोई बीमार तो नहीं है। अगर कोई बीमार व्यक्ति पाया जाता है तो उसको घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। उनके टेस्ट कंडक्ट करवाए गए हैं, जा रहे हैं, और सब लोगों को ये रिक्वेस्ट भी की जा रही है लगातार कि अगर कोई भी बीमार है तो वो खुद भी अपने आप को भी आगे आके उसको बताना चाहिए कि मुझे दिक्कत है, ताकि उनके टेस्ट करवाए जा सकें। तो ये सारे एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं और इससे परिस्थिति आगे और बेहतर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देने जाएंगे जो कि बेवजह घरों से निकलते हैं, उनको सख्त चेतावनी देना चाहेंगे? कल ऐसे काफ़ी लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई भी की गई है, कुछ लोगों के खिलाफ़ FIR तक भी लॉज की गई हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बिना वजह, बिना कारण और बिना परमिशन के बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और ये सख्ती आगे और बढ़ाने का इरादा है।